मोटू की शादी। एक गांव में मोटू नाम का एक लड़का रहता था। वह अकेले रहता था। उसको वह घर अच्छी नहीं लगती थी। वह अकेले घर में अच्छा नहीं लगता था। तो एक दिन वह बाहर जाने का सोचता है और वह बाहर निकलता है और वह घूमते घूमते एक पार्क में गया और वह बहुत उदास था। फिर थोड़ा देर बाद वहाँ उसको एक लड़की दिखी और लड़की के पीछे करते करते रोड के पीछे पीछे जाने लगा उसके। फिर जाते जाते फिर वह लड़की के पास पहुंचा और लड़की को ध्यान से देखकर उसको प्यार हो गया और लड़की से पूछा कि तुम कौन हो। तो लड़की ने कहा कि मैं पतलू हूँ। फिर मोटू ने बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे करती हो। कहने के हाँ मैं करता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे को मेरे पापा से पूछना पड़ेगा। तो फिर मोटू बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पापा के पास आऊँगा। फिर मोटू बोलकर उसके पापा के पास जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर पतलू मोटू को लेकर आती है और पतलू बोलती है पिताजी ये मोटू है, मुझसे शादी करना चाहता है। फिर मोटू बोलता है कि हाँ पिताजी मैं शादी करना चाहता हूँ। फिर पिताजी बोलते हैं क्या तुम उससे प्यार करते हो। फिर मोटू बोलता है कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। और फिर मोटू बोलता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। फिर पिताजी बोलते हैं क्या बेटी तुम मोटू से प्यार करती हो। फिर बेटी बोलती है कि हाँ पिताजी मैं मोटू से बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरी शादी करवा दो। फिर पिताजी दोनों की शादी करवा देते हैं।